नमस्कार, अभी सी डॉट का फाउंडेशन डे है और हमारे साथ हैं कार्यकारी निदेशक विपिन त्यागी जी। आइए जानते हैं कि क्या कुछ है इन्होंने लॉन्च किया है और क्या इसकी विशेषता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर फाउंडेशन डे पर आपने पिछले बार भी विद्वान लॉन्च किया था, इस बार भी कुछ है हुआ है, क्या कुछ है हुआ है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और जनता के फायदे के लिए सब कुछ काम करते हैं। जी जी। और दूसरा हमारा ये है कि हम आज को नहीं भविष्य को देखते हुए भी कार्य करते हैं। अब आप ये इमेजिन करिएगा कि सिर्फ 400-500 मिलियन हमारे इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं जी, उनके रहते हुए ही हम लोगों ने जितना डेटा कंज्यूम करना शुरू कर दिया है वो चाइना और यूएस का मिला करके जितना है उससे ज़्यादा डेटा हमारे यहाँ कंज्यूम होता है। जी जी। तो अभी तो हिंदुस्तान आधा भी कवर नहीं किया है और सबको आपका 3G भी ठीक से मिला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हमको बैंडविड्थ की आवश्यकता है। जी जी। उसके लिए हमने DWDM सिस्टम जी, जो कि कोर बनाता है, जो कि एक फाइबर के ऊपर 8 टेराबिट का ट्रैफिक ले आता है। okay. और आपका लगा हुआ जो फाइबर है वो वही रहने वाला है। अच्छा। उसकी ही कैपेसिटी है जो 10 गिग की थी, वो 8 टेराबिट पे चली जाएगी। क्या बात है। तो इतना गुना हमने बढ़ा दिया है और खर्चा बहुत कम होगा। इससे क्या है, हमारे जो प्राइसेज है वो भी डाउन होने की संभावना है और बड़े बड़े जो हमारे नेटवर्क्स हैं उन सबको हम अच्छे से फीड कर सकेंगे। तो ये DWDM कोर सिस्टम है जो कि चेन्नई में ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा है और जिसको कि हमारे कस्टमर ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं। जी जी। अब वो मैन्युफैक्चरिंग में जा करके और सबके लिए अवेलेबल हो। जी हाँ, बिल्कुल। आपने उस पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई, हमने देखा था। अच्छा। खासकर आपके पीछे में ही हम देख रहे हैं कुछ ऐसा DWDM। हाँ, देखिए क्या कुछ है आप हमें बता। देखिए, ऐसा है कि आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे, इनको कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। जी जी। ये सारे फाइबर ऑप्टिक केबल हैं जी। अब इसमें आप एक ये ज़ूम करिए कि अगर मैं एक जो ये फाइबर है इसके ऊपर 8 टेराबिट डेटा ले जा सकता हूँ तो मैं ये और मैं बहुत सारे ये कनेक्ट कर सकता हूँ। जी जी। तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ होगी। उसके अलावा क्या है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि इसको आप एक सर्कल में लगा सकते हैं, लूप में लगा सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इन सब के बीच में इतना हाईवे एक हम क्रिएट कर सकते हैं इसको यूज करके। और उसको हम विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करते हुए इसको हम डेटा का ट्रैफिक का जो कंजेशन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल, अब सरल बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। आपके साथ दो विदेश के भी, खासकर किंगस्टन और दो और भी आए हुए थे, उन्होंने क्या कोई 5G पर कुछ उन्होंने बताया, शायद आम आदमियों के लिए क्या कितना महत्व। देखिए, ऐसा है कि जो 5G है वो आने वाली टेक्नोलॉजी, 2020 में उसका स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट होगा, है ना। 2020 के स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए जी। परंतु हम इस बार जो है हम लोग वो नहीं करना चाहते जो अब तक हुआ है जी। अच्छा। अब तक क्या हुआ है, बाहर से लाइए इक्विपमेंट, लगाइए, जनता को सर्विस दे दीजिए। बिल्कुल, आप मेक इन इंडिया पर विश्वास करते हैं। तो हम डिजाइन इन इंडिया में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं यही हमारे, जब हमारे इतने सारे यंग टैलेंटेड लड़के यहाँ पर हैं जी, जबकि वो सारे एजुकेटेड हैं, जबकि सारी दुनिया में काम कर सकते हैं जी, तो यहाँ काम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके और 5G के इक्विपमेंट बनाने का काम हम करना चाहते हैं। उसके लिए हमने बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलाया है। मीसा डॉलर जो आपने देखा, जो कि किंग्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रायल 5G का किया हुआ है, वो यहाँ पे थे। यहाँ पे दमित्रा सिमुनोदु थे, जो कि ब्रिस्टल सिटी के जो स्मार्ट सिटी है और वहाँ पे ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी के द्वारा किस तरह से 5G का इस्तेमाल करते हुए, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरे शहर में विभिन्न प्रकार के काम शुरू कर दिए। आपको लगता है कि आपने यहाँ जो भारत में स्मार्ट सिटी बन रहा है उसका उपयोग होगा उसमें बाद? देखिए, ऐसा है कि जो स्मार्ट सिटी इज बिल्ड बाई स्मार्ट आइडियाज, स्मार्ट आइडियाज रिक्वायर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर पीपल हु अंडरस्टैंड दी टेक्नोलॉजी रीजनेबली वेल। तो हमारे यहाँ स्मार्ट लोग भी हैं, हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आ रही है, पर हमें समझ करके लगाना होगा जी। अभी वो काम जो है वो सीधे सीधे जिस तरह से हम कर रहे हैं, हमें ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से सीख लेते हुए हमें जनता के साथ में इन्वॉल्व करके नई टेक्नोलॉजी के साथ में लगाना चाहिए और नए यूज केस हमें डेवलप करना जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। तो ये थे विपिन त्यागी जी, जो बता रहे थे खासकर नए टेक्नोलॉजी को हमें अपने अनुसार उपयोग करना होगा, तभी हम आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष का आत्मानविंद, नमस्कार।